आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बूम बाम बूम बाम। रिसेंटली हम लोग ने कर लिया भी है ये सब पूरा रूम जो भी देख रहे हैं अभी, मैंने डेकोर किया इसे, ये बड़ी है, ये डिफरेंट। क्यों शर्मा जैसे अगर लैविश रहना है तो ऐसे ही आपको बेडरूम बनाना पड़ेगा। ये मेरा पावर घर। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त पे शिवम शर्मा बूम बाम जी हाँ लॉकअप के अमेजिंग कैदी के घर पे हूँ, और भाई ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि घर पे आओ दिल्ली में वेलकम, और बहुत अच्छा आदर सत्कार के साथ। एंड नाउ अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि शिवम शर्मा का घर मतलब कि उनका कमरा कैसा है और किस जगह मतलब क्या चीज़ें हैं, कितना ऑर्गेनाइज है या नहीं, कितना क्लीन है या नहीं, सब लोग जानना चाहते हैं राइट। तो चलिए मेरे साथ, पहले ठक ठक करेंगे, कोई घर पे है? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बूम बाम बूम बाम। शिवम भाई थैंक यू सो मच मुझे घर में घुसने के लिए, और यहाँ पे जो इनका ओ वाओ यार बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। ये छोटा सा रूम है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने कर लिया अभी नया। अच्छा एक साल हुआ है तो अभी बस चीजें कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं ये आप ही की चॉइस के लगे एकदम लैविश लैविश। ये रूम मैंने बनाया अपना। ये भाई एक छोटी वॉच है। एक सेकंड मैं आपको आपको सब सब दिखाता हूँ, भाई बताएंगे एक सेकंड। ये सब पूरा रूम जो भी देख रहे हैं मैंने डेकोर किया है, मतलब कॉन्सेप्ट पापा का होता है बट कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो छोटी छोटी, जैसे ये घड़ी है ये डिफरेंट, और एक जो बाकी बैकग्राउंड आप देख रहे हैं बेड, ये सब मैंने प्लान किया है। मेरा वॉशरूम भी बहुत सेक्सी है। एक एक चीज मैंने क्या बात, ये वार्डरोब आपकी वार्डरोब देखने का तो बड़ा मन है मेरा। वार्डरोब के अंदर बहुत मेरा कचरा भरा हुआ है। अच्छा तो ठीक है, नहीं देखता मेरा वॉशरूम है यहाँ पे। यार ये तो मेरे को अभी नहाने का मन कर रहा है शिवम भाई। अच्छा ठीक है शिवम भाई, गजब का एकदम रूम बनाया है दोस्तों। ये देखो शिवम भाई यहीं पे अपनी हेयर स्टाइलिंग और सारी चीज, देखो हम लोग वहाँ पे अच्छे लग रहे हैं सामने देखो, ये बूम बाम। तो भाई देख लो शिवम शर्मा जैसे अगर लैविश रहना है तो ऐसे ही आपको बेडरूम बनाना पड़ेगा। सीलिंग देख लो एक बार भाई की, सीलिंग के अंदर स्पेशल करते हैं। अच्छा रात को चलते हैं तो आप लॉकअप में कैसे सोते थे फिर? हाँ यार अच्छा लग रहा है शिवम भाई, मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच शिवम भाई। तो ये भाई ये शिवम शर्मा है, और शिवम शर्मा जी थैंक यू सो मच, इनकी घड़ी भी एक बार देख लेते हैं। थैंक यू गाइस, बहुत प्यार देते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, लव यू ऑल। ये सब मैंने अपने आप को डेकोर किया, सारी चीजें छोटी छोटी, घड़ी कलर कॉम्बिनेशन, गोल्ड मुझे पसंद है, मैं थोड़ा सा और चीज आपको गोल्डन ही मिलेगी मेरे वॉशरूम से लेकर मेरे ड्राइंग रूम तक और मेरे मंदिर तक। ओके और ये मेरे पिताजी की हमारा ड्राइंग रूम है। अच्छा ये मेरा पावर कार्ड। यार ये छुए कैसे हैं दिखाओ तो जरा। बढ़िया मस्त है यार। अच्छा ये पीछे क्या था इसका, मैं हमेशा देखता रहता था पीछे क्या है इसका। भाई देख लो भाइयों, शिवम शर्मा की लेविश लाइफस्टाइल, दिस इज द थिंग, दिस इज द अमेजिंग ब्रांड कलेक्शन एंड एवरीथिंग विच यू कैन ओनली इमेजिन। ये अंकल आंटी हैं शायद राइट शिवम भाई, देखो मैंने कैप्चर कर लिया फर्स्ट ऑन टेली खजाना। ओके गाइस अभी शिवम भाई अपनी ऊर्जा स्रोत के पास लेकर जा रहे हैं मुझे। है मेरे बोले शंकर है जिनकी ऊर्जा से मैं चलता हूँ, असला बारूद से लैस मैं इनकी बदौलत होता हूँ। ये जो मूर्ति है ये बहुत ही पुरानी है, बहुत ही नेपाल काठमांडू से आई हुई है, बहुत सालों जब जितनी मेरी उम्र है शायद उतनी पुरानी है। तो ये है मेरा ऊर्जा सूत्र। ओम नमः शिवाय। बाकी मेरी जो जिसने मेरा साथ दिया, मेरी चेन मेरे मंदिर में रहती है जी, तो मेरे साथ ही रहती है, शक्ति यहाँ से मेरे गले में ही रहती है। अगर आपने जान दिया मतलब आप टोटका कर गए थे आप। भगवान विष्णु हमेशा साथ है हमारे लिए, तो जो भी चीज़ें हुई हैं थर्ड रनर अप आया हूँ जैसा भी आया हूँ, थर्ड रनर अप मेरे लिए ट्रॉफी है, इससे ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शिवम भाई।